मुद्दे की बात यह है कि 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हर कीबोर्डिस्ट को परेशान करती है। आपके 10 सवाल मैं इस पेज पे लिखा हूँ, मेरे सामने है, मैं आपको इसका जवाब फटाफट दूंगा। लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट दूंगा मैं। पहला सवाल, रूल एंड एक्सप्रेशन कितने का आता है? मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ कि इसकी जो एक्चुअल में प्राइस है वो 52,000 है। इसकी प्राइस वेरी करती रहती है, किसी को 52 मिलता है, किसी को 53, 55, 52 से लेकर के 55,000 के बीच में इसकी प्राइस है। दूसरा क्वेश्चन, कितना टोन मिलता है जब हम नया कीबोर्ड खरीदते हैं? दोस्तों, जब आप नया कीबोर्ड खरीदते हैं तो कंपनी आपको इसमें लगभग 1300 टोन देती है। कितना? 1300 टोन। सिर्फ जवाब और क्वेश्चन का ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नंबर तीसरा क्वेश्चन, कितना रिदम मिलता है जब हम नया कीबोर्ड खरीदते हैं? दोस्तों, जब हम नया कीबोर्ड खरीदते हैं तो हमें कंपनी लगभग 500 रिदम देती है। 500 रिदम जितना भी रहता है, हम उसको यूज़ तो करते नहीं हैं, उस रिदम को ज़्यादातर लोग यूज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंडियन रिदम होती नहीं है, सब वेस्टर्न रिदम होती हैं। नंबर चौथा क्वेश्चन हमारा है, बाहर से कितना टोन डाल सकते हैं? हमसे पूछा गया है कि सर, जब हम कीबोर्ड को ख़रीद के लाते हैं तो हम इसमें कितनी टोन और बाहर से डाल सकते हैं, कंपनी कितनी जगह देती है? तो दोस्तों, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 128 टोन बाहर से डाल सकते हैं, वो भी पेन ड्राइव के थ्रू। ध्यान से देखिएगा, आप इसमें 128 टोन डाल सकते हैं, सिर्फ 128 टोन, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम आप डाल सकते हैं। एक से लेकर के 128 टोन आप इसमें डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 10 टोन डाल सकते हैं, 50, 100, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 128 स्टॉप। अगला क्वेश्चन, पांचवा, बाहर से कितना रिदम डाल सकते हैं? रिदम की बात हो रही है, बाहर से कितना रिदम डाल सकते हैं? दोस्तों, एक चीज़ और, अब रिदम की जहां बात आ रही है, आप इसमें रिदम बाहर से नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें रिदम की जगह नहीं दी गई है, इस कीबोर्ड में रिदम की जगह नहीं दी गई है। कंपनी कहती है कि अगर आपको रिदम प्ले करना है तो आप पेन ड्राइव के थ्रू रिदम प्ले करेंगे। किसके थ्रू? पेन ड्राइव के थ्रू आप इसमें रिदम प्ले करेंगे, और पेन ड्राइव में आपके मर्जी के मुताबिक, यानी आपकी जितनी कैपेसिटी है, पेन ड्राइव की जितनी कैपेसिटी है, उतना रिदम पेन ड्राइव में रखिए और इसमें प्ले कीजिए। 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 जितने भी आपके पास हों, 500, 150, 100, 80 जितने भी हों। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, क्या इस कीबोर्ड में जो हम बाहर से टोन डालते हैं वो सेव होती है? आंसर इसका है कि जी हाँ, जब हम बाहर से कीबोर्ड में टोन डालते हैं खरीद करके, और उसको डालेंगे कैसे? पेन ड्राइव के थ्रू डालेंगे। ये सब की वीडियो पहले से बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं पूरी डिटेल्स में। अभी हम कुछ सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बाहर से जब हम टोन डालते हैं पेन ड्राइव के थ्रू, तो इसमें टोन सेव हो जाती है। जब हम पेन ड्राइव निकाल लेंगे तो जो हम टोन बाहर से डाले रहेंगे इस कीबोर्ड में सेव हो जाएगी। और वो सेव कहाँ पे होगी? जो आपके कीबोर्ड के बैंक में 8वां नंबर है, जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्म, उस बटन में सारे टोन जो बाहर से डालते हैं उस बटन में सेव होती है। अगला क्वेश्चन है नंबर 7, क्या रिदम भी सेव होती है जो हम बाहर से डालते हैं? आंसर इसका है, रूलैंड एक्सपीएस 10 में जो भी हम लोग रिदम बाहर से डालते हैं, मतलब इसमें रिदम बाहर से हम डाल ही नहीं सकते, पहली बात ये इसका जवाब है, और रिदम प्ले करना है तो पेन ड्राइव के थ्रू प्ले करना है। जब तक इसमें पेन ड्राइव लगी रहेगी तब तक आपका रिदम प्ले होगा, पेन ड्राइव निकाल देने के बाद आपका रिदम बंद हो जाएगा। तो आंसर इसका है कि इसमें रिदम सेव नहीं होती, पेन ड्राइव के थ्रू हम रिदम प्ले करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाहर से टोन जब डालते हैं तो किस बटन में सेव होती है? अभी मैंने इसका जवाब दिया था, फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन अलग अलग रहता है। जब हम बाहर से टोन डालते हैं पेन ड्राइव के थ्रू, तो वो कीबोर्ड के नंबर 8 बटन में सेव होती है, जिसे हम परफॉर्मेंस कहते हैं। और उसको देखने के लिए आप कीबोर्ड को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद 8 नंबर बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो 501 नंबर से आपकी टोन दिखेगी जो आप बाहर से डाले रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 9वां, क्या इसमें मोबाइल से गाना बजा सकते हैं? दोस्तों, इसमें ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई है कि हम मोबाइल के थ्रू इसमें गाना बजाएंगे। हाँ, हालांकि कंपनी ये कहती है कि जो भी आपको प्ले करना है आप सिर्फ और सिर्फ
पेन ड्राइव के थ्रू प्ले करेंगे। इसमें जो भी चीज़ प्ले होगी सिर्फ और सिर्फ पेन ड्राइव, यानी इस कीबोर्ड की जान क्या है, पेन ड्राइव। अगर आपको कोई गाना भी बजाना है तो आप पहले गाने को पेन ड्राइव में डालेंगे, फिर उस पेन ड्राइव को कीबोर्ड में लगा करके इस कीबोर्ड से हम प्ले करेंगे। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, इसमें ट्रैक कैसे बजाएं। ट्रैक इन द सेंस जिस म्यूजिक में वोकल पार्ट, मतलब सिंगर की आवाज़ नहीं रहती है, बाकी सब म्यूजिक रहता है, पूरी म्यूजिक रहती है, सब कुछ रहता है, बस आप उस पर गाना गा सकते हैं, उसको हम कैसे बजाएं इसमें। वो भी तरीका वही है कि आप पेन ड्राइव में उस ट्रैक को कॉपी करके आप उस पेन ड्राइव में रखिए, पेन ड्राइव को कीबोर्ड से कनेक्ट कीजिए और उसके बाद आप इस कीबोर्ड के थ्रू आप अपने सारे गाने को, ट्रैक को प्ले कर सकते हैं। अब वो जो मैंने बोनस पॉइंट आपसे कहा था देने के लिए, वो टाइम आ गया है। इसमें जो भी चीज़ हम प्ले करेंगे, रिदम की बात कर रहे हैं और ट्रैक की बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ प्ले करेंगे रिदम हो या ट्रैक हो, सबसे पहले आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट होनी चाहिए। फॉर्मेट जब करेंगे कीबोर्ड से तो उसमें तीन फोल्डर बनते हैं, एक सॉन्ग लिस्ट का, एक इम्पोर्ट का, एक रूलैंड का। हम जो भी ट्रैक या रिदम प्ले करेंगे उसको हम डाउनलोड करेंगे नेट से और उसे MP3 में फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर MP3 फॉर्मेट में अगर डाउनलोड करेंगे तो इस कीबोर्ड में MP3 फॉर्मेट नहीं प्ले होगा, क्योंकि ये कीबोर्ड वेव फॉर्मेट फाइल को सपोर्ट करता है। तो आप जो भी ट्रैक अपना डाउनलोड करेंगे वो भी वेव फॉर्मेट में होना चाहिए और जो भी लूप्स आप प्ले करेंगे, किसी से भी लेंगे या खुद बनाएंगे, उसकी जो फाइल, जो फॉर्मेट होनी चाहिए, जो उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो आपका वेव फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे आपके और मैंने जवाब आपका दिया, बहुत ही मदद मिलेगी इस जवाब से और कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।